कृषि भवन सभागार में जिलाधिकारी संजीव कुमार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई व इस मौके पर भोजपुर के कई अधिकारी गण मौजूद रहे। नापी हम लोग करते हैं। नोटिस दीजिए, इतना दिन आपको लग जाता है। अगले सप्ताह के पहले नोटिस दे करके कितना समय दिया जाता है नोटिस के बाद? प्रावधान क्या है? तीन दिन अपने मन से बोले, प्रावधान क्या है? अतिक्रमण में तो सर 15 दिन का पहला। अतिक्रमण अलग चीज है, इनका म्युनिसिपैलिटी एक्ट अलग चीज है, और प्लस वसूली। आप यदि देखेंगे 10 साल से जब रेट रखा है तो उतना राशि का वसूली वो आपके नोटिस में नहीं आया है। आपने इतना इतने दिनों से रखा है, इसका इतना कॉस्ट होता है पुराना का, जो कि मतलब अनधिकृत रूप से रखा गया है, उसका पेनल्टी के साथ वसूली, वो सब कुछ नहीं आपके नोटिस में कैलकुलेट नहीं किया गया है। सिर्फ ऐसे ही नोटिस कैलकुलेट कीजिए, उसको कैलकुलेट करके दीजिए और फिर चार्ज लगाइए। ये नहीं हुआ है प्रॉपर। और जो मैं आइडेंटिफाई करने बोला, कोचिंग संस्थान जिसके द्वारा बाहर लगाया जाता है, मतलब बाहर पार्किंग कराई जाती है, इसके अलावा वैसे होटल्स जिनके द्वारा जिसकी पार्किंग बाहर होती, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वैसे बैंक्स जिसकी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वैसे मॉल्स जिनकी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सबको नोटिस करके हटवाइए उसको। SDO साहब, आप शहर में घूमिए, डालो नहीं तो फिर हम हटाएंगे और सीज कर लेंगे जनरेटर को। सबका तोड़वाएंगे, तोड़ने का वसूली का पैसा भी लेंगे, और उसके साथ साथ संस्थान को सील कर देंगे। नगर आयुक्त को बृहद पावर है, आपके द्वारा पावर का उपयोग नहीं किया जा रहा है, आप सील कीजिए सर।